हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आईपीएल 2023 में बीते शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर हैदराबाद से चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और यहां देखिए चेन्नई ने हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। सीएसके की ये लीग स्टेज में चौथी जीत है और चेन्नई के कई खिलाड़ी इंजरी के भी चलते प्लेइंग 11 से अब बाहर चल रहे और देखिए ना, इनमें सबसे बड़ा नाम इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान ब्रेन स्टोक का रहा है। स्टोक का देखिए सीजन चेन्नई के खेले हुए 6 में से 4 मैच मिस कर चुके हैं वो, तो वहीं स्टोक की इंजरी पर चेन्नई के हेड कोच यानी कि स्टीफन प्लेइंग ने एक बड़ा अपडेट दिया है। आपको बता दें कि स्टोक ने अभी तक केवल 2 ही मैच खेले हैं। स्टोक्स एड़ी की चोट के कारण सीएसके की प्लेइंग 11 से अभी बाहर चल रहे हैं और उनके जल्द ही एक्शन में लौटने की उम्मीद थी, लेकिन अब इस पर कोच स्टीफन प्लेइंग ने बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि स्टोक्स कुछ और मैचों में भी बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे और 1 हफ्ते के बाद वापसी कर सकते हैं। तो फ्लेंग ने हैदराबाद के खिलाफ जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें बस थोड़ी सी किस्मत की जरूरत है। उन्होंने कहा बेन स्टोक्स अपने इंजरी से वापसी कर रहे हैं और वो अभी 1 हफ्ता मैदान से बाहर रहेंगे। स्टोक्स की इंजरी हमारे लिए एक झटका है, लेकिन उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई है। वो सही होने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो स्टोक्स अभी तक खेले गए मुकाबलों में अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। उम्मीद है कि आने वाले मुकाबलों में वो अपनी टीम के लिए कुछ अच्छा प्रदर्शन करें। अभी तक उन्होंने देखे 2 मैचों में केवल 15 रन बनाए हैं और सिर्फ 1 ओवर फेंका है। गर्मियों की शुरुआत में आयरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के इकलौते टेस्ट के लिए तैयार होने और उपलब्ध होने के लिए वो आईपीएल को बीच में ही छोड़ सकते हैं। और हालांकि देखिए अभी तो कुछ भी निश्चित बिल्कुल नहीं है, लेकिन सीएसके के क्वालिफाई करने पर स्टोक्स प्लेऑफ के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते और इसलिए फैंस उम्मीद ये कर रहे होंगे कि आगामी मैचों में वो टीम के लिए खेल सके और जल्द से जल्द फिट हो जाएं।